हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी थर्ड ईयर। हम बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय सामाजिक विचारक A.R. देसाई का अध्ययन कर रहे थे, जिनका कि पूरा नाम है अक्षय रमण लाल देसाई। एग्जाम्स में बहुत बार इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा अक्षय रमण लाल देसाई। A.R. देसाई का पूरा नाम क्या था? अक्षय रमण लाल देसाई। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि A.R. देसाई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक माने जाते हैं, जो कि कहाँ के हैं? गुजरात के, जिनका जो जन्म है नड़ियाद शहर में हुआ। तो हम अक्षय रमण लाल देसाई की बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा जो है, जिसको कि हमने राष्ट्रवाद की अवधारणा कहा था, उस राष्ट्रवाद की अवधारणा का अध्ययन जो है स्टूडेंट्स हम कर रहे थे। और राष्ट्रवाद का अर्थ मैंने आपको बताया कि राष्ट्र के प्रति चेतना, या फिर राष्ट्र की चेतना के साथ साथ राजनीतिक संबंधों में जो परिवर्तन है, उसे ही A.R. देसाई ने क्या कहा है? राष्ट्रवाद कहा है। अक्षय रमण लाल देसाई ने जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, उसके अंतर्गत इन्होंने मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में जिस प्रकार से भी और जो भी परिवर्तन हुए हैं, उनका उल्लेख A.R. देसाई ने अपनी राष्ट्रवाद की अवधारणा के अंतर्गत दिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में कि उन्होंने इसके अंतर्गत राष्ट्रवाद के अंतर्गत ये बताया कि जब ब्रिटिश शासन हमारे भारत में स्थापित हुआ, उससे पहले हमारे यहाँ गांव की क्या स्थिति थी, और जब ब्रिटिश शासन का भारत पर अधिकार हो गया, तो उस अधिकार के बाद हमारे भारत देश में क्या रूपांतरण आया, इस रूपांतरण को भी A.R. देसाई ने राष्ट्रवाद के नाम से संबोधित किया। उन्होंने ये भी बताया था कि सभी देशों में राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास जो है समान रूप से नहीं हुआ। ये राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो विकास है स्टूडेंट्स, वो उस समय हुआ जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये दोनों चीजें जो है लगभग साथ साथ में और समान रूप से चली। साथ ही साथ हमारे भारत में जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल रही है और बहुरंगी रूप में उपस्थित रही है। क्यों? क्योंकि वही जो भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज की जो पृष्ठभूमि है, उसमें विशेष रूप से हिंदू समाज जो है, या फिर जो कह लीजिए पूरा जो भारतीय समाज है, वो भारतीय समाज कैसा रहा है? हमेशा खंडित रहा है, विभाजित रहा है। किसी भी अन्य देश की राष्ट्रवाद के विकास एवं उद्भव में जो परंपराएं होती हैं, या जिन परंपराओं का उल्लेख किया जाता है, वो हमारे भारत में रही है। तो इस रूप में जब तक हमारे भारत देश में विभिन्न परंपराओं का प्रभाव था, उस समय तक, या जिस समय तक, यूं कह लीजिए कि जिस समय तक हमारे भारत देश में निजी संपत्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, कबीले समूह के रूप में छोटे जो गांव थे जिनमें जनसंख्या कम थी, तो निजी संपत्ति का प्रभाव नहीं था, तो उस समय क्या थे? गांव आत्मनिर्भर थे। वहां पर तेरा मेरा या निजी संपत्ति की भावनाओं का किसी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं था। तो तब तक हमारे गांव
आत्मनिर्भर रहे, इस निजी संपत्ति की भावना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तब तक यहाँ राष्ट्रवाद का भी क्या हुआ, उदय नहीं हुआ। लेकिन देसाई जो कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है कैसा तथ्य, एक अर्वाचीन तथ्य है। ब्रिटिश शासन और विश्व शक्तियों के कारण भारतीय समाज में अनेक क्रियाएं और प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, और इस क्रिया और प्रतिक्रिया के उत्पन्न होने के पश्चात ही क्या हुआ, ब्रिटिश काल में भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो ये भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ या उद्भव हुआ, इस भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव या विकास में जिन कारणों ने या जिन कारकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो कारक जो है महत्वपूर्ण बताए हैं के.आर. देसाई ने। तो उसमें जो सबसे पहला और प्रमुख कारण जो बताया है वो ये बताया है, एकीकृत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। किसकी वजह से? एकीकृत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वजह से धीरे धीरे जहां संगठन उत्पन्न हुआ तो विघटन भी प्रारंभ हुआ, और विघटन हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने या ब्रिटिशवादियों ने यहाँ पर धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ कर दिया। तो ये प्रभाव जो है ब्रिटिश शासन का हमारे भारत देश पर इतना जल्दी और इतना शीघ्र क्यों होता गया, इसके कारण है कि सबसे पहला जो कारण इसके अंतर्गत बताया है कि भारतीय जो नगर थे भारतीय नगरों में राष्ट्रवादी भावना का बिल्कुल ही अभाव था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश शासन ने अपना प्रादुर्भाव जो है यहाँ जमाना प्रारंभ कर दिया। भारतीय नगर जो थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का बिल्कुल ही अभाव था। क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों का जीवन अत्यधिक कैसा था, गतिशील था, प्रगतिशील था, बाहरी समाज के वो लोग निरंतर संपर्क में आ रहे थे। निरंतर संपर्क में आने के बावजूद भी जो राजाओं का और जो उच्च जातियां थी उनका प्रभाव जो है वो ज्यादा था। इसकी वजह से भारतीय नगरों में किसी प्रकार की कोई राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं हो पाया, और इसी कारण से राष्ट्रवादी भावना जो है अति शीघ्र उत्पन्न ना होकर धीरे धीरे जो है उत्पन्न हुई। भारतीय नगरों के साथ साथ जो भारतीय गांव थे, हालांकि वो कैसे थे, आत्मनिर्भर थे, लेकिन फिर भी इनमें राष्ट्रवादी भावना का अभाव था। क्यों? क्योंकि वो आत्मनिर्भर थे, उनका संपर्क कभी किसी से हो ही नहीं पाता था। जो भी उनकी आवश्यकताएं थी, मूल रूप से उनकी आवश्यकताएं, जब निजी संपत्ति की धारणा नहीं है, ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, तो उस समय क्या है, रोटी कपड़ा और मकान उनकी आवश्यकताएं थी। तो इस रूप में तो वो आत्मनिर्भर थे, और आत्मनिर्भर थे तो वो कहीं आना जाना, एक दूसरे से मिलना जुलना, संगठन होना, तो अपनी अर्थव्यवस्था को स्वयं संचालित कर लेते थे। तो अपनी अर्थव्यवस्था के संचालन करने की वजह से उनका किसी से संपर्क नहीं हो पाता था, और उनका जो आर्थिक जीवन था स्टूडेंट्स, वो उन गांवों तक ही सीमित था। इस वजह से भी क्या है, उनमें राष्ट्रीयता का अभाव था, या राष्ट्रबोध का जो जागरण है वो उनमें नहीं हो पाया था। तीसरा जो कारण आता है वो ये आता है कि धर्मनिरपेक्ष, कला में राष्ट्रीय चेतना का अभाव। तीसरा मुख्य कारण कौन सा आ गया, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जहां सभी धर्मों का सम्मान हो, लेकिन जहां धर्मनिरपेक्षता पाई जाती है वहां भी
कला पर जो है कुछ जातियों का ही प्रादुर्भाव था, यानी कला पर उन्होंने अपना अधिकार कर रखा था। कुछ धनी हिंदू जो थे या फिर यूं कह लीजिए मुसलमान व्यक्ति जो थे या मुसलमान जाति जो थी, उन लोगों ने कला पर भी अपना अधिकार किया हुआ था, तो वो अन्य लोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। यानी कोई भी गरीब व्यक्ति है धनी के अलावा तो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। तो सिर्फ कला पर किसका प्रभाव रहा? धनिक लोगों का और मुसलमान लोगों का। तो वही संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व जो है वो करती थी। इसी वजह से कला का सरोकार समाज के सभी वर्ग से नहीं था। अगला जो कारण आता है वो ये आता है कि संक्रांत वर्ग यानी उच्च वर्ग था, उन्हें क्या लेना देना? धनिक वर्ग कला पर उनका प्रभाव, किसी तरह के संपर्क पर यदि हो तो उनका प्रभाव। तो ये कौन सा संक्रांत वर्ग कौन सा था? धनिक वर्ग था। निम्न लोगों से या निम्न जो व्यक्ति हैं जिनका न तो कला पर अधिकार है न ही किसी चीज पर अधिकार है, वणिक राजा धनिक व्यक्ति मुसलमान जिनका की कला पर अधिकार है, उन्हें अन्य लोगों से लेना देना नहीं था। तो जब अन्य लोगों से लेना देना नहीं है तो उनमें राष्ट्रीय चेतना जो है वो कहाँ से आएगी? तो इसीलिए इनमें भी क्या था, अपनी जो खाना पूर्ती थी, अपना जो आर्थिक व्यवस्था थी संपूर्ण रूप से संचालित हो रही थी। तो इस वजह से भी इन संभ्रांत वर्गों में भी क्या था, राष्ट्रीय चेतना का अभाव पाया जाता था। किंतु धीरे धीरे हमारे देश में जो है राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। कैसे हुआ? ब्रिटिश स्वार्थों की वजह से। ब्रिटिश शासन ने अपना अधिकार किया और वो अपने हिसाब से यहाँ का जो शासन था उसको संचालित करने का प्रयास करने लगे। इस दृष्टि से ब्रिटिश शासन ने यद्यपि भारतीय समाज की ऐतिहासिक प्रगति में भी सहायता पहुंचाई थी कि भारत देश की जो प्रगति हुई है बाद में, औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, उद्योग धंधों में विभिन्न मशीनों का जो प्रभाव है या मशीनों का उपयोग जो प्रारंभ हुआ, ये सब ब्रिटिश स्वार्थों की वजह से ही हुआ। लेकिन उसके परिणाम के रूप में हमारे सामने जो आया राष्ट्रवाद का उद्भव, यानी ये जो ब्रिटिश स्वार्थ थे यानी कच्चा माल जो है अपने यहाँ से ले जाकर अपने वहां स्वयं के वहां कारखानों में बड़े बड़े कारखानों में उत्पादन करके जो वापस भारत भेजते थे, उनकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे व्यक्ति जो है एक दूसरे से मिलना जुलना संगठित होने लगा। और ये स्वार्थ जब धीरे धीरे जनता के सामने आए तो स्टूडेंट्स राष्ट्रवाद का उद्भव जो है प्रारंभ हो गया। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में कहीं कहीं ER देसाई ने जो बताया कि किसी वजह से राष्ट्रवाद की अवधारणा या राष्ट्रवाद की या राष्ट्रीय चेतना का जो है अभाव भी पाया जाता रहा। लेकिन कहीं कहीं ये जो राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ वो उद्भव भी किसकी वजह से हुआ? ब्रिटिश स्वार्थों की वजह से ही हुआ। अगला जो महत्वपूर्ण कारण आता है वो आता है आधुनिक शिक्षा। हम सब जानते हैं हमारे भारत देश में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार जो किया है वो किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। आधुनिक शिक्षा या फिर अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किसने किया था? लॉर्ड मैकाले। वो क्या करना चाहते थे? वो करना तो चाहते थे अपने स्वार्थ की पूर्ति कि अंग्रेजी शिक्षा सभी भारतीयों को सिखाकर जो ऑफिसेज वगैरह में जो निम्न पद होते थे बाबू वर्ग जो है वो उसे तैयार करना था।
उस बाबू वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। लेकिन स्टूडेंट्स इसका भी जो है परिणाम कुछ अलग निकला। जैसे जैसे हमारे भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, किसके द्वारा, या तो ईसाई जो विदेश से आए ईसाई मिशनरीज थे उन्होंने यहाँ पर हमारी शिक्षा का प्रसार किया, या फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो मैंने जैसे बताया कि लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार प्रारंभ किया। साथ ही साथ कुछ ऐसे हमारे भारत देश में कुछ ऐसे महान व्यक्ति रहे हैं उनकी वजह से भी हमारे भारत देश में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। तो इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने क्या किया, हमारे देश में जो धर्म और जाति से संबंधित जितने भी भेदभाव पाए जाते थे, मैंने आपको बताया कि कला पर भी किसका अधिकार था, पहले मुसलमानों का, धनिक हिंदुओं का, तो ये भेदभाव इस आधुनिक शिक्षा की वजह से धीरे धीरे समाप्त हुए। और ये जो हमारी उदीयमान जो नई पीढ़ी जो आई थी उन्होंने धीरे धीरे राष्ट्रवादी और गणतंत्रवादी जो विचार हैं उनको फैलाना स्टूडेंट्स उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे ये सभी लोग जो है राष्ट्रवादी विचारों को ग्रहण करने लगे। तो इस रूप में यानी सही अर्थों में देखा जाए तो आधुनिक जो शिक्षा है उस आधुनिक शिक्षा ने हमारे भारत देश में प्रशासनिक के साथ साथ जो हमारी राजनीतिक आवश्यकताएं थी उन राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इस आधुनिक शिक्षा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस रूप में, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, अनेक आंदोलन हुए और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के बाद आपको पता है हमारे भारत में जो है एक संविधान जो बना उस संविधान का भी मुख्य कारण क्या था, राष्ट्रवाद की अवधारणा या राष्ट्रवाद का उद्भव ही था जिसकी वजह से हमारे भारत देश में एक संविधान का निर्माण हो पाया। अगला जो कारण आता है वो आता है आवागमन के आधुनिक साधन। आवागमन के आधुनिक साधनों में हम किन साधनों को रख सकते हैं, जैसे पुराने समय में जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था तो बैलगाड़ी, घोड़े इत्यादि, गड्ढी इत्यादि का उपयोग करता था, ऊंट गाड़ी इत्यादि का उपयोग किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटिश शासन के प्रभाव के पश्चात हमारे भारत देश में औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण की वजह से नगरीकरण हुआ और नगरीकरण की वजह से हमारे जो आवागमन के यातायात के जो साधन थे, रेल, बस, कार, मोटर, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इन सभी साधनों का जो उपयोग है वो प्रारंभ हो गया। इसकी वजह से व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाकर संगठित होने लगा, एक दूसरे से मिलने जुलने लगा और उनके मिलने जुलने की वजह से भी धीरे धीरे हमारे भारत देश में जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला जो आता है वो आता है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। हमारे भारत देश में स्वतंत्रता या राष्ट्रवाद जो है हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है, हमें अनेक कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करते हुए इनको प्राप्त किया है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने, धार्मिक सुधारकों ने या सामाजिक सुधारकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ लोगों का नाम हम ले सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की, एलिफिसेंट इत्यादि जो थे, उन सभी ने धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह, ऊंच नीच का जो भेदभाव था उन सभी को समाप्त करने में, उन सामाजिक कुरीतियों का विध्वंस करने में
हमारे जो विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन रहे हैं उनका महत्वपूर्ण प्रभाव जो है रहा है, और इन आंदोलनों की वजह से ही हमारे भारत देश में समानता समतावादी समाज की या समतावादी जो भावनाएं हैं समाज में उनकी उत्पत्ति हुई, और जहां समानता और समता का प्रादुर्भाव होता है वहीं स्टूडेंट्स क्या होता है, राष्ट्रवादी भावना का उदय होता है। A.R. देसाई ने जो राष्ट्रवाद की भावना के उदय के लिए अंतिम और महत्वपूर्ण कारण जो बताया है वो बताया है समाचार पत्रों का योगदान। समाचार पत्र, पहले व्यक्ति अपने विचार एक दूसरे से जब तक नहीं मिल पाते, एक दूसरे से विचार जान नहीं पाते थे, लेकिन जब से भारत देश में समाचार पत्र प्रारंभ हुए तो भारत के जो लोग हैं औद्योगिकरण नगरीकरण के द्वारा तो एक दूसरे के संपर्क में आए ही आए, साथ ही साथ इस देश में समाज में जो भी कुछ हो रहा है उन सभी की जो सूचनाएं हैं उनको किनके द्वारा प्राप्त होती थी, समाचार पत्रों के द्वारा प्राप्त होती थी। तो ये सारी चीजें पढ़कर उनमें भी इस प्रकार की भावनाओं का उत्पन्न होना वाजिब था, और धीरे धीरे इस राष्ट्रवादी भावना का जो प्रसार प्रसार है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें समाचार पत्रों ने। तो धीरे धीरे ये समाचार पत्रों के द्वारा भी हमारे देश में जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसका प्रचार प्रसार हुआ, और समय के साथ साथ इसमें भी परिवर्तन होते रहे, व्यक्ति एक दूसरे को विचारों को जानने लगा, इनकी सहायता से सम्मेलन हुए, संगठन हुए, अनेक विवाद हुए, किंतु फिर भी इनकी वजह से क्या हुआ, अनेक संस्थाएं बनकर उन संस्थाओं ने हमारे भारत देश में राष्ट्रवाद को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तो इस रूप में देसाई जो कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है स्टूडेंट्स जो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए इन सभी कारणों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो धीरे धीरे इन सभी की वजह से हमारे देश में नगरों और गांवों में सभी जगह राष्ट्रवाद की अवधारणा का प्रारंभ हुआ, और धीरे धीरे ये अवधारणा जो है राष्ट्रवाद की चेतना जो है पूरे भारत देश में फैल गई, और अंत में आकर हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की वो किसका परिणाम है, इस राष्ट्रवाद की चेतना का ही परिणाम रहा है।